वेलकम बैक टू एमएम रिएक्शन मुनीब शाहिद। सजेस्टेड वीडियो है पार्क को लेके। ये मेरे ख्याल से हमारा थर्ड पार्क होने जा रहा है, थर्ड या फोर्थ आई गेस। ये ग्रैंड सेंट्रल पार्क थाने दी कंप्लीट गाइड मुंबई, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या है इस पार्क में। बगैर टाइम ज़ाया कि ये शुरू करते हैं वीडियो, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर। तो शुरू करते हैं पार्क। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिस ब्यूटीफुल अट्रैक्शन इन द सिटी जो वन ऑफ अ काइंड है स्पेशली फॉर मुंबईकर्स एंड थानेकर्स। थाने सिटी देखा था। करेंगे 10 इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स दैट यू शुड नो बिफोर विजिटिंग दिस न्यूली ओपनड ग्रैंड सेंट्रल पार्क। मेन ग्रैंड सेंट्रल पार्क केएफसी बनाई है। थाने सिटी में बहुत अच्छी बिल्डिंग्स थी, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वगैरह फ्लैट्स। ये ग्रैंड सेंट्रल पार्क फरवरी 2024 में इनॉग्रेट किया गया है बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे। सो लेट्स बिगिन विद द 10 पॉइंट्स दैट यू शुड नो अबाउट दिस प्लेस। और 10वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, लोकेशन और आप यहाँ कैसे आ सकते हो। ये पार्क लोकेटेड है थाने के कोलशेट रोड पर। अगर आप यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो थाने रेलवे स्टेशन उतरकर आप यहाँ से लोकल बसेस, ऑटो, शेयरिंग ऑटोस एंड कैब ले सकते हो। अगर आप अपनी प्राइवेट कार या ओला उबर से आ रहे हो तो आपको बस नमो ग्रैंड सेंट्रल पार्क ये आपके ऐप में सर्च करना है एंड यू विल बी ऑन योर वे। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ के गूगल मैप्स का लोकेशन दिया है, यू कैन यूज दैट। पॉइंट नंबर 2, टिकट्स, प्राइसिंग एंड पार्किंग। Once you come at the entry gate, you have to purchase the tickets here. Online tickets अब तक available नहीं है, आपको यही आकर tickets खरीदना पड़ेगा। The entry fee is ₹20 for adults on weekdays and ₹30 on weekends. बच्चे under 15 years of age के लिए entry free है। And the ticket cost for senior citizens is ₹10 on all days. Senior citizens के लिए buggy service available है। और ये आपको पूरी park की सैर करवाएंगे। And yeah, ये free of charge है। आप यहाँ पर एक मंथली पास भी ले सकते हो, दैट इज अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इफ यू आर ब्रिंगिंग एनी टाइप ऑफ कैमरास लाइक DSLRs और GoPro तो आपको ₹150 पे करना पड़ेगा। एंड ड्रोन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द पार्क। एक बात है कि प्राइसिंग तो बहुत ही अफोर्डेबल रखी है ताकि एवरीवन कैन एंजॉय द पार्क। बस इसे आप सही तरीके से एंजॉय करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से यहाँ आते हो तो यू कैन पार्क योर कार एज वेल। यहाँ 3 फ्लोर्स ऑफ पार्किंग आर अवेलेबल। 4 व्हीलर्स की पार्किंग कॉस्ट ₹40 है एंड बाइक्स और स्कूटीज के लिए आपको ₹20 भरना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, व्हिच इज द बेस्ट टाइम टू विजिट। इस पॉइंट पे ना जरा ध्यान देना, ग्रैंड सेंट्रल पार्क का करंटली काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा है एंड एवरीवन इज स्टार्टिंग टू नो अबाउट इट एंड विजिट हियर। सो वीकेंड्स पर देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड कंपेयर्ड टू वीकडेज। So, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर वीकडेज पर आए। पार्क सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक ओपन रहती है और फिर दोपहर को 1 बजे पार्क फिर से खुलकर रात के 9 बजे तक ओपन रहती है। सुबह सुबह आना वुड बी द मोस्ट आइडियल टाइम टू कम। ज्यादा रश या लोग नहीं रहते एंड पार्क इज ऑल्सो क्वाइट पीसफुल। एंड यस, द पार्क इज क्लोज्ड ऑन मंडेज। मंडेज को पार्क कम्प्लीटली बंद रहता है। पॉइंट नंबर 4, 4 मेन सेक्शंस ऑफ ग्रैंड सेंट्रल पार्क। ये ग्रैंड सेंट्रल पार्क बहुत ही बड़ा और खूबसूरत बनाया गया है। इसे बनाने में इंस्पिरेशन लिया गया है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक द सेंट्रल पार्क इन न्यूयॉर्क, ज़बीन पार्क इन दुबई एंड गार्डन्स बाय द बे इन सिंगापुर। द ग्रैंड सेंट्रल पार्क इन थाने इज स्प्रेड ओवर 20 एकर्स ऑफ लैंड एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क इन महाराष्ट्र। इसे पूरी तरह कवर करने आपको इजिली 3 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। द पार्क इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू 4 मेन सेक्शंस, थीम गार्डन्स, लेक साइड, प्ले जोन एंड स्पोर्ट्स अरीना। हम एक एक करके ये सारे सेक्शन को डिटेल में देखेंगे, बट बिफोर दैट अगर आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक जरूर देना एंड अपने कमेंट्स एंड थॉट्स जरूर लिखकर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 5, थीम गार्डन्स। ग्रैंड सेंट्रल पार्क के अंदर देयर आर 4 स्पेशली डिजाइन छोटे छोटे थीम गार्डन्स। ये बेसिकली शॉर्ट स्पेसेस है जहाँ आप फोटोज, सेल्फीज निकाल सकते हो एंड ऑल्सो एंजॉय अ क्वाइट पीसफुल टाइम। चाइनीज गार्डन के एंट्री पर यू विल सी द साइन जिसमें लिखा गया है पीस गार्डन इन द चाइनीज लैंग्वेज। ये काफी स्पेशियस है एंड आप यहाँ बैठकर रिलैक्स भी कर सकते हो। लैंप्स। मुगल गार्डन में ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर्स हैं
along with the water fountains. So, wo lake banayi hui hai. And Moroccan gardens feature bright, colorful walls along with crafted windows and water elements too. Colorful hai Moroccan. But mujhe jo sabse pyara laga was the Japanese garden. इन चार गार्डन्स के साथ साथ ये फ्लोरा ट्रेलिस अट्रैक्शन भी बहुत ही प्यारा है, स्पेशली टू वॉक अंडर दीज लाइट्स एंड क्लिक फोटोज एंड वीडियोस वगैरह भी ऑन होती है। पॉइंट 6, लेक साइड। यहां यू गेट टू सी द ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द लेक एंड अ गॉर्जियस ब्रिज जिसे व्यूइंग डेक कहा गया है। लेक में आपको कलरफुल से बटरफ्लाईज एंड फाउंटेन्स नजर आएंगे, जिसके पास में ये बड़ी सी प्रोमिनेड है जहां पर आप बैठकर अपनी शाम बिता सकते हो। लेक साइड वाले सेक्शन में आप एक एम्फीथिएटर और स्टेज भी देख सकते हो। हो सकता है फॉर फ्यूचर इवेंट्स और स्मॉल कॉन्सर्ट्स ये एम्फीथिएटर यूज करें। हियर यू कैन आल्सो सी दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल जो ये पार्क को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। फ्रैंकली मुझे यहाँ पर स्कूट करने का ज्यादा मन नहीं हो रहा, जस्ट यहाँ पर बैठ कर सनसेट हो रहा है करेंटली। आई जस्ट वांट टू एंजॉय दैट राइट नाउ। पॉइंट 7, प्ले जोन। ये बेसिकली एक प्ले एरिया फॉर किड्स है जो मुझे लगता है पूरे पार्क का सबसे पॉपुलर और क्राउडेड एरिया है। यहाँ बच्चों के लिए काफी ज्यादा खेलने के अट्रैक्शन है, जैसे कि स्लाइड्स, फ्लैश पैड्स, ये बड़ी और इंटरेस्टिंग सी मेज, जिप लाइंस एंड मोर। बच्चे ये स्पेशल सी ट्री हाउस में भी खेल सकते हैं जो कि बनाया गया है ऑन अ 70 ईयर ओल्ड बिग बैनियन ट्री। ये ट्री हाउस कंबाइंड है विद स्लाइड्स एंड स्मॉल एडवेंचर एक्टिविटीज। याद रहे ये सारे खेलने के एक्टिविटीज सिर्फ बच्चों के लिए है। हाँ, इन्हें देखकर मेरा भी मन हुआ टू गो ऑन इट बट आई वाजंट अलाउड। पॉइंट 8, स्पोर्ट्स जोन। हियर इज वेयर द यूथ एंड द बिग बॉयज एंड गर्ल्स कम टू प्ले। यहाँ एक शानदार टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट के साथ साथ एक बड़ी सी स्केट पार्क भी है। मुंबई में ना बहुत कम लोकेशन है where you'll find such a huge and beautiful skate park. एक लोकेशन मुझे याद है जो बांद्रा में है एंड दिस इज द अदर वन। अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ कोई स्केटिंग नहीं कर रहा, अदरवाइज आई वुड हैव लव्ड टू सी सम स्केटिंग सीन्स ओवर हियर। सो द स्केट अरेना हियर इज रियली नाइसली डन। यहाँ का जो बास्केटबॉल कोर्ट है और टेनिस कोर्ट है दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं, बट हियर अगर आपको खेलना है स्पेशली फॉर द टेनिस कोर्ट आपको पहले से बुकिंग करना पड़ेगा। बास्केटबॉल कोर्ट इज ओपन, यू कैन कम एंड प्ले, बट टेनिस के लिए यू गॉट टू बुक योर स्लॉट्स फर्स्ट। एंड ये ना परफेक्ट है, यू कैन कम योर प्ले बॉल टेनिस और एनीथिंग लाइक दैट विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड टाइम। Also in this sports arena, आप देखोगे एक fitness station and a wall climbing activity. If you ask my honest opinion, the best time यहाँ पर आने का ना would be early mornings because यहाँ पर crowd बहुत कम होगा and you will get this beautiful weather as well. But if you come here in the evening, तो आप यहाँ पर 6:30 के बाद में आना, 6:30 के बाद में, so that you get to see this place under lights and it looks even more beautiful. मैंने expect नहीं किया था कि this place would look so beautiful in the night, but it is. So, point number 9 is Grand Central Park under lights. And यहाँ शाम का नजारा कुछ ऐसा होता है। वाह। क्या हो रही है? अपार्टमेंट्स होंगे ना ये, हार्ड अटेंशन। क्या बात है। पॉइंट नंबर 10 और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे स्पाइडरमैन के अंकल ने कहा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। सफाई खुलकर अब तक एक महीना नहीं हुआ है और ये देखो यहाँ के इस अट्रैक्शन को ऑलरेडी लोगों ने तोड़ दिया है। अब क्या ही बोले, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। ऐसे लोकेशन के साथ हमें खुद भी तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एक अच्छी बात, ग्रैंड सेंट्रल पार्क में आउटसाइड फूड एंड ईटेबल स्ट्रिक्टली बैंड है। आप पार्क के अंदर खाने की कोई भी चीज लेकर नहीं आ सकते। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल वाटर बॉटल्स भी अलाउड नहीं है। पानी पीने के लिए यू कैन गेट योर ओन रियूजेबल वाले बॉटल्स एंड पार्क में जगह जगह पर वाटर स्टेशन लगे हैं जहाँ यू कैन रिफिल योर बॉटल्स। देयर आर नीट एंड क्लीन बाथरूम्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, सो प्लीज इन्हें सही से यूज करें। इफ हमारे लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पार्क बना है तो उसे उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर रखने की जिम्मेदारी हमारी है, राइट? लाइक यू कैन सी द लाइटिंग ओवर हियर नाउ इज ब्यूटीफुल एंड द पार्क इज डेफिनेटली वर्थ इट फॉर सच अ स्मॉल अमाउंट
इतनी छोटी सी अमाउंट 20 रुपीज के लिए आप आके अपना इवनिंग या मॉर्निंग यहाँ डेफिनेटली स्पेंड कर सकते हो. फॉर मुंबई का तो कम सो फार इज अ लिटिल टीडियस, बट इट इज डेफिनेटली वर्थ कमिंग हियर वंस. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट यू कैन कम एंड एक्सपीरियंस दिस प्लेस. दिस इज मी नॉट योर रवीन, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. चाओ. यार जबरदस्त पार्क. मुझे सबसे जो अच्छी चीज लगी कि इन्होंने 3 से 4 कल्चर्स को वो डिस्प्ले की है, जिसमें मुझे सबसे अच्छा लगा एक मोरक्कन, और दूसरा वो जो इन्होंने वो बताई थी फ्लोरा ट्रेल्स थी कोई, वो बड़ी ज़बरदस्त. मेरे ख्याल से बैम्बूज थे या कोई लकड़ी थी या क्या फाइबर था, आई डोंट नो क्या था. लाइटिंग जहाँ पे हुई थी, केव टाइप बनी हुई थी, वहाँ से लोग निकल रहे थे, फोटोशूट वगैरह कर रहे थे. पता नहीं वो लकड़ी होगी, मुझे लगता है आयरन का बना हुआ होगा, क्योंकि बहुत प्रॉपर शेप फ्रेम है. हाँ, और सारे कलर एक जैसे थे. हाँ, कलर हुआ है और साथ में जो लाइट्स इफेक्ट इसको दिया हुआ है, जो रात को हाँ. गुजरते हुए एक यूनिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है. मुझे ये दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, और तीसरा इन्होंने बहुत सारे मतलब के कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर दिए. मुगल वाला नहीं अच्छा लगा. मोरक्कन अच्छा लगा, बड़ा कलरफुल सा था मोरक्कन, और जो ग्रीस इफेक्ट जो है वो है ही बड़ा कलरफुल और बड़ा हाँ. और बाकी ओवरऑल तो बहुत ज़बरदस्त है आइडिया इनका, कि आप डिफरेंट सेक्शंस बना दिए, चाइनीज़, जैपनीज़ और मुगल और ये सारे, मतलब कि आपको बड़ा एक्सपीरियंस हो जाके देखो कि क्या ममालिक की बिल्डिंग्स कैसी थी. जैसे मोरक्कन ने बताया कलरफुल वहाँ पर बिल्डिंग्स होती हैं, चाइनीज़ वो पीसफुल उन्होंने बताया कि पीसफुल, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे. अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी इसमें नहीं समझ आई. हाँ, एरिया कम लगा मुझे थोड़ा सा, क्योंकि पार्क ऐसी चीज़ होती है जहाँ बंदे एक दफ़ा बंदा इंटर हो उसका दिल करता ख़त्म ही ना हो. एरिया कम था थोड़ा सा, अदरवाइज इसके अंदर उन्होंने हर चीज़ डाल दी, कोई चीज़ मेरे ख्याल से छोड़ी नहीं है. बच्चों का किड्स अलग से जोन उन्होंने बना दिया, उनके खेलने कूदने के लिए अलग से चीज़ें बना दी, टेनिस कोर्ट्स बना दिए इन्होंने, बड़ों के खेलने के लिए प्ले स्पोर्ट्स वगैरह के बना दिए, बास्केटबॉल वगैरह आप खेल सकते हैं वहाँ पर. प्लस उन्होंने वॉकिंग ट्रैक्स भी बनाए हुए हैं, स्टेज बना दिया, स्टेज इन फ्यूचर कोई उसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो वो भी उसमें आ गया, बाथरूम तक आ गए उसमें, बड़ा लग्जरी और साफ सुथरा, पीने का पानी का सिस्टम इन्होंने बना दिया. आई गेस इसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इन्होंने. एक चीज़ भूल गए, ब्रिज ऊपर से देखने के लिए व्यू. ब्रिज पे एक और चीज़ भूल गए, और एक वो जो एक बहुत पुराने दरख्त पे उन्होंने एक जो सेटअप, वो तो बच्चों का ना, नहीं एक और चीज़ भूल गए. क्या वो मैंने दिमाग में रखी हुई थी कैलकुलेशन करके, कि देखो एंट्री फीस कितनी होगी बड़ों की. हाँ, एंट्री फीस बड़ी मुनासिब थी. नॉर्मल डेज में बात करो तो कितनी होगी, 20 रुपीज़. 20 रुपये. और बाइक की फीस कितनी होगी, बाइक 20 रुपीज़. 20 रुपये हो गए, 40 रुपये एक दिन के. जिम है अंदर. हाँ, जिम भी है. यस. यानी कि आप 40 मल्टीप्लाई बाय करो 30 ना करो, आप बीच में से 4 दिन निकाल लो, 26 से मल्टीप्लाई कर लो आपकी जिम की फीस जो प्रोफेशनल जिम्स हैं, और हाँ. ये वाली आप कैलकुलेट कर लो, जिम भी फ्री है ना. हाँ, तो वो आपको जमीन आसमान का फर्क मिल जाता है. एक तो आपको ओपन एयर मिल रहा है, ओपन एयर है ना, खुली ऑक्सीजन है. जिम वाला चलो माहौल नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन पार्क तो है, पार्क में जिम का जिम भी ओपन एयर है. हाँ हाँ, तो बारिश वारिश से मशीन खराब नहीं होगी. नहीं, वो दूसरी मशीन्स होती हैं, वो वाली मशीन्स तो नहीं होती ना, ये जरा बॉडी वेट वाली मशीन्स होती हैं. प्लस सीनियर सिटीजंस के लिए जो उन्होंने फ्री बगी जो ट्रैवल करने के लिए आगे पीछे उनको कैरी करने के लिए जो किया हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बड़ा अच्छा था. कोई चार्जेस नहीं है उसके, बिल्कुल वो आप कर सकते थे. ये एक चीज मुझे भी बड़ी अच्छी लगी है कि यार सीनियर, बहुत सारी चीजें अच्छी थी इसमें, बहुत सारी चीजें अच्छी थी, नो डाउट. मतलब कोई पार्क के अंदर इन्होंने कोई चीज़ मिस नहीं की. हाँ, बाइक की वीडियो से एक चीज़ में मिस मुझे लगी है कि पार्किंग की एरिया कितना है टोटल, कितने पार्क हो सकते हैं एट अ टाइम. हर सिर्फ इन्होंने टोटल एरिया मेरे ख्याल से बताया 20 एकर्स. अच्छा, एक और चीज़ 150-160 कैनाल्स बनते हैं. एक और चीज़ है, मुझे आइडिया नहीं है कि इंडिया में भी जो हमारे यहाँ मेजरमेंट चलती है ना एकड़ की, कि वहाँ पर भी 8 कनाल को 1 एकड़ बोलते हैं, और वहाँ पर क्या 8 एक कनाल में 20 मरले ही होते हैं, और 20 मरले में ईच मरले में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, हो सकता है डिफरेंट हो. नहीं, असल में ये सारा सिस्टम बना के गए हैं गोरे, सब कॉन्टिनेंट के अंदर गोरे बना के गए हैं. श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो बेसिकली यही है. हाँ, आप बताएं कमेंट में कि ये क्या 8 कनाल का ही 1 एकड़ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरह से है. एक एकड़ में 1 एकड़ 8 कनाल, तो 20 = 8, ये बनता 160 कनाल्स बनते हैं. इतना ही है, और अगर किसी के पास मेजरमेंट होगी टोटल कितना एरिया है वो बीच, हाँ, स्क्वायर यार्ड में, तो वो कोई बता दे, बाकी देख लेते हैं गूगल में भी. एक चीज़ जबरदस्त नहीं है,
जो एंड में भाई ने दिखाया कि जो एक्सरसाइज की मेरे ख्याल से कोई वो थी मशीन, वो किसी ने तोड़ी भी थी। वो नहीं, एक्सरसाइज की नहीं थी, वो मेरे ख्याल से कोई म्यूजिक प्ले करने वाली थी। म्यूजिक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, म्यूजिक प्ले करने वाला था वो साउंड, बड़ा प्यारा साउंड निकलता है पाइप से, है ना, वो किसी ने तोड़ दिया। अब अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोग मेरे ख्याल से हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह, ये अब नहीं कह सकते, स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हर जगह पाए जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने इस पर दुख का इजहार किया कि उन्होंने कहा कि यार ये सच अ पैथेटिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना के दिया है गवर्नमेंट, और ये चीज़ हमारे यहाँ भी इस तरह भी बास लोग होते हैं तो हम भी बहुत दुख और अफसोस ही करते हैं कि यार ये एक इतनी अच्छी चीज़ आपको बना के दी है, आपको एक फैसिलिटेट कर रहे हैं और आप ये चीज़ बजाय इसके कि उसको प्रॉपर वे में, उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करें, ये एक वाकई गलत चीज़ थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। वो जो प्लास्टिक मटेरियल का, वो मुझे लगता है कि आपस में कोई जोर आजमाई करते रहे कि देखते हैं तू पहले तोड़ता है कि मैं पहले तोड़ता हूँ, अल्लाह जाने, तब टूटा होगा वरना शायद। वो बड़ा मजबूत लग रहा था, थिक लग रहा था, ठीक लग रहा था, किसी ने तोड़ा, ये एक अनफॉर्चुनेट था, ही नहीं होना चाहिए। हाँ, बाकी तो सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लगी, बहुत अच्छी लगी, प्रॉपर और यूनिक चीज़ें थी। हमारे यहाँ खैर पार्क्स हैं, बड़े पार्क्स हैं, लेकिन इस तरह से कल्चर्स जो इन्होंने डिफरेंट दिखाए हुए वैसे नहीं है। और एक पार्क के अंदर इतनी सारी चीज़ों का ऐड होना, हाँ ऐड होना, इतने एडवांस जो है ना, ये थोड़ा सा, ये बड़ा यूनिक है, यूनिक। उन्होंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा है कि ये पार्क बड़े कंट्रीज के जो पार्क्स हैं उनसे इंस्पायर हो के लिए बनाया गया। जो आपका न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क उसको ऐड किया है, दुबई का पार्क ऐड किया, और सिंगापुर का, इन तीनों का आप समझ लेंगे कॉम्बिनेशन। और उन्होंने भी थीम्स दिए होंगे, चाइनीज थीम्स, जापानीज थीम, इस तरह इन्होंने थीम्स दिए। हमें तो यूनिक आइडिया लगा, बड़ा अच्छा लगा। एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पब्लिक वॉशरूम्स बड़ी साफ थी। वो मैंने कहा ना कि बहुत साफ और बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स थे। तो करते हैं वीडियो को यहाँ पर खत्म। ये भी सजेस्टेड वीडियो थी, इसी तरह वीडियो सजेस्ट करते रहें। जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।